हेलो दोस्तों, कैसे हो फ्रेंड। बड़ों को नमस्कार, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। दोस्तों, दोपहर के 2 बज रहे हैं और दोस्तों आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, आप देख सकते हो। और दोस्तों आज हमारी सोसाइटी में किसी की शादी भी है, ये देख सकते हो आप, टेंट लगा हुआ है। तो आज किसी की शादी है। मौसम दोस्तों बहुत ही अच्छा हो रखा है। सालू सो रही है, सालू को नींद आ रही है। तूने अभी अभी तो सोई थी तू 1 घंटा, फिर से नींद आने लगी तेरे को। हाँ, सोई नहीं मैं। क्या कर रही है सालू तू घड़ी में? आपके बेटे ने पानी भर दिया इस घड़ी में, पूरे में। पानी भर दिया? और क्या, आपको बोला ओ था सेल लेके आने के लिए दुकान में, तो फिर आपने बोला था ठीक है मैं लेके आ रहा हूँ। मैंने घड़ी को इसको उतार दी दीवार से। अभी इसने इतने में किचन में गई, इतने में तो इसने जाके ना उठा के बेड से इसने जाके बाथरूम में बाल्टी में डुबा दी पानी में। दिखाना दिखाना। ये देखो पानी भरा हुआ है पूरा, देखो खराबी हो गया, अभी बंद हो गया, घड़ी चल ही नहीं रहा है। दिखाओ तो सही। ये देखो दोस्तों, ये पूरा का पूरा इसने पानी भर पानी गया में डुबा है। दिया। देखो पानी पानी भर गया, अब ये घड़ी चल नहीं रही है। निश्चल, तूने घड़ी खराब कर दी है। ये कौन सा होता है, मजा आ गया? घड़ी खराब करके मजा आ गया? अब मैं घड़ी लेके आऊंगा ही नहीं। अब तू ट्यूशन कैसे जाएगा, कहाँ से टाइम देखेगा तू? देखो इसमें कितना ट्यूशन पानी। छोड़ दिया तूने, कल से तू ट्यूशन जाने वाला है और तूने घड़ी खराब कर दी है। तू ठीक कराएगा? अभी दादाजी को फोन करूं कि निश्चल ने घड़ी खराब कर दी? बहुत बदमाश हो गया ये। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल रहे इस पे साफ थी घड़ी, बोल रहे इस पे धूल चढ़ा हुआ है। जाके इसने क्या किया उसको, ये नहीं कि कपड़े वपड़े से, अच्छा मुझे ही बोल देता मैं साफ कर देती। इसने क्या किया, जाके सीधा पानी में डुबा दी, बोल रहा गंदी थी मैंने साफ कर दिया। निश्चल, घड़ी को पानी में नहीं डुबाते। नहीं डुबाते, मैं डुबाता हूँ, मैं डुबाता हूँ। हद है यार। ठीक है, अब रहने दे, अब मेरे को दूसरी घड़ी लानी पड़ेगी। अभी लाओ। अभी लाऊं? हाँ। अभी रुक जा, दादाजी को फोन भी करता हूँ कि निश्चल ने घड़ी खराब कर दी। हाँ बोलो। बोल दूं? हाँ बोलो। ये मोबाइल नहीं थी। निश्चल ने घड़ी तोड़ दी, अभी बोलता हूँ तेरे दादाजी को। रुक जा, निश्चल को देखो घड़ी से खेल रहा है। बोल रहा पापा मेरे पास खिलौने नहीं थे ना, इसलिए मैंने ना घड़ी को पानी में डुबा दिया, अब ये घड़ी मेरा खिलौना है निश्चल। तू मेरे को बोल देता मैं तेरे लिए खिलौने ले आता, लेकिन तेरे को पानी में डुबाने की क्या जरूरत थी घड़ी को? तो ऐसे थोड़ी होता है कि तू पानी में डुबा देगा घड़ी को, घड़ी खराब हो जाएगी, वो तेरा खिलौना हो जाएगा। गेम है इसमें, घड़ी में गेम है। और दादाजी ने बोला है कि तेरे को अब चॉकलेट नहीं मिलेगी क्योंकि तूने घड़ी खराब कर दी है। अब तेरे को चॉकलेट मिलेगी नहीं। मैं लेके आऊंगा ही नहीं चॉकलेट। निश्चल बोल रहा है मम्मी से, मम्मी मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बना दो क्योंकि पापा तो चॉकलेट लाएंगे नहीं। तो अभी सालू बोल रही है मैं तेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बना देती हूँ, लेकिन सालू इसके लिए मत बना फ्रेंच फ्राइज, इसने घड़ी खराब की है। कल मिलेगी तेरे को फ्रेंच फ्राइज, आज नहीं मिलेगी फ्रेंच फ्राइज। नहीं क्यों, नहीं जाओ बनाओ। ये कौन सी बात होती है? नहीं। एक तो तूने घड़ी खराब कर दी, ऊपर से तू चॉकलेट मांग रहा है, फिर बोल रहा है फ्रेंच फ्राइज बनाओ, समोसे बनाओ, ये कौन सी बात होती है? निश्चल को देखो, निश्चल अब बोल रहा है कि मम्मी मेरे को फ्रेंच फ्राइज नहीं खाना, मेरे लिए अब सूजी का हलवा बनाओ और नमकीन पराठे बनाओ, है निश्चल। इसकी फरमाइश आती रहती है। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए, अब अपनी मम्मी को बोला सूजी का हलवा बनाने के लिए। तो सालू अभी सूजी का हलवा बना रही है। निश्चल तेरे को बहुत पसंद है सूजी का हलवा? सालू सूजी का हलवा बना रही है। मैंने इसको बोला था थोड़ा चाय बना दे, तो ये बोली नहीं पहले निश्चल के लिए सूजी का हलवा बनेगा। तो अभी निश्चल के लिए सूजी का हलवा बना रही है। इसकी दादी को भी बहुत पसंद था सूजी का हलवा, निश्चल की दादी को, है ना निश्चल, बहुत ज़्यादा पसंद था। निश्चल बोल रहा है कि पापा मैंने तो 1 गिलास पानी पी लिया है, अब मैं थोड़ा सा ही सूजी का हलवा खाऊंगा, अब मम्मी और आपको खाना पड़ेगा थोड़ा सूजी का हलवा। बेटा मेरे को तो पसंद नहीं है सूजी का हलवा, तेरी मम्मी को जरूर पसंद है सूजी का हलवा। मैं भी नहीं खाती। सालू को भी पसंद नहीं है, लेकिन सालू कभी कभार थोड़ा बहुत तो मीठा खा लेती है ना तू? कभी कभार खा लेती हूँ, पर वैसे मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं, खाना पड़ेगा। अब देखो निश्चल बोल रहा है कि मेरे को बस थोड़ा सा हलवा चाहिए, आप दोनों को थोड़ा थोड़ा हलवा खाना पड़ेगा। ठीक है निश्चल, तू बोल रहा है तो हम थोड़ा थोड़ा हलवा खा लेंगे, ठीक है? नहीं, थोड़ा थोड़ा ज्यादा। थोड़ा थोड़ा ज्यादा हलवा, ये कौन सी बात होती है निश्चल? नहीं। निश्चल को देखो, यहाँ पे गैलरी में खड़ा है और अपने दोस्तों को देख रहा है और बोल रहा है कि
कल से मैं भी ट्यूशन आऊँगा, कल से निश्चल भी ट्यूशन जाएगा, थोड़ा मौसम भी अब सही हो गया है और हम लोग आ भी गए, तो कल से निश्चल ट्यूशन जाएगा, है निश्चल? ये देखो बहाने कर रहा है कि कल से नहीं जाऊंगा परसों से जाऊंगा, परसों से नहीं तो कल से ही जाएगा ट्यूशन। नहीं कल संडे है ना। कल संडे नहीं, कल सैटरडे है बेटा। नहीं कल संडे। पिछले आधे घंटे से सालू हलवा और पराठे बना रही है, लेकिन अभी तक इसका हलवा बना नहीं है। बाप रे आधे घंटे से बना रही है। और क्या आधे घंटे हो गए, आधे घंटे हो गए, ठीक है ना। और देखो निश्चल बोला है कि पापा मम्मी को बोलो जल्दी से हलवा बनाने के लिए पराठे, है निश्चल? टाइम मुझे पता है 5:30 बज रहे हैं अभी, तू 5 बजे हलवा बनाने में आई थी, तू 5 बजे आई थी मैं? हाँ हलवा बनाने के लिए 5 बजे आई थी तू। चुप रहो, ये कौन सी बात होती है? और क्या, मैं आई नहीं थी 5 बजे। दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए और हेल्दी खाइए। ओके थैंक्स दोस्तों।